ले चलते हैं आपको बडनगर की ओर, जहां बडनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 शराब की पेटी की जब्त। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में शराब तस्करी के संबंध में लगातार थरकपड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, एसडीओपी रविंद्र बोयट के मार्गदर्शन में बडनगर थाना प्रभारी मनीष मिश्रा व उनकी टीम द्वारा बडनगर पीरझला रोड पर अवैध रूप से इंदौर से लाई जा रही 15 पेटी अंग्रेजी शराब की, जिसमें 4 पेटी बकराडी रम, 5 पेटी ब्लडे पाइंट, 4 पेटी रॉयल स्टेज, 1 पेटी ओल्ड मक्की और 1 पेटी रॉयल चैलेंज स्कॉर्पियो वाहन से जब्त की गई। पीरझला रोड से अवैध शराब पकड़ी है, क्या पूरा मामला? मुखबिर की सूचना थी कि स्कॉर्पियो सफेद स्कॉर्पियो से इंदौर से बढ़ने की तरफ दारू आ रही है। सूचना पर से पीरझला के अपने चौधरी ढाबे के सामने एक गाड़ी आती हुई दिखी, जिसको रोका, चेक करा, उस गाड़ी में 15 अंग्रेजी पेटी शराब की, जिसको विधिवत 95 जब्त किया। उसकी कीमत करीब 1,85,000 की थी और 133 लीटर की दारू थी। इसको अपराध क्रमांक 2 जाकर थाने में दर्ज किया, 34-34-2 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी शिव कुमार को, जो इंदौर का था, उसको कल पीआर पर लेकर पीआर पर चल रहा है अग्रिम।